Hello? May I speak with Mr. Dayal, please? Mr. Dayal, कैसे हैं आप? पृथ्वी बोस बोल रहा हूँ. मिस्टर दयाल, मैं एक शो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, उसके लिए आपसे बात करनी थी. लेकिन मिस्टर दयाल, मेरी गारंटी है कि ये शो सक्सेसफुल होगा ही. मैं जानता हूँ कि अंगद का कॉन्सर्ट भी होने वाला है, लेकिन हेलो, इट्स ओके पृथ्वी, तुम इतना टेंशन मत लो. हम ये शो कैंसिल कर देते हैं, फिर कभी कर लेंगे. हेलो हेलो, मैं मैपल लीफ म्यूजिक कंपनी का ऑनर समीर राजदान बोल रहा हूँ. क्या मैं मिस कृपा से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं कृपा बोल रही हूँ. So, मैं आपका शो स्पॉन्सर करना चाहता हूँ. मैं आपको कल फोन करता हूँ, हम तभी मीटिंग का टाइम फिक्स कर लेंगे. ओके, बाय. आपका काम हो गया सर, शो बिल्कुल वैसा होगा जैसा हमने प्लान किया था. क्या हुआ कृपा? वो हमारे शो को स्पॉन्सर करना चाहता है. What? तुम किसकी बात कर रही हो? वो समीर राजदान का फोन था, उसने कल हमें ऑफिस बुलाया है. मुझे तो कुछ यकीन ही नहीं हो रहा है. Oh my God, yes! लेकिन मुझे यकीन हो रहा है कि कोई ना कोई तुम्हारी टैलेंट की कदर करेगा, उस पे भरोसा करेगा. यस कृपा, आई न्यू इट कि कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर हो जाएगा. थैंक यू सो मच. अब हमारा कॉन्सर्ट होने से कोई नहीं रोक सकेगा. कृपा, do it properly. Kripa, concentrate. Kripa, look into the eyes. कितनी हंसी दुनिया लगती है चाहत में. हाँ, कितनी हंसी दुनिया लगती है चाहत में. हर शाम कटती है अब मुस्कुराहट में. सबसे करते हैं कैसा हंसी राज है. कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है. थैंक यू. पता है कृपा कितनी अच्छी डांसर है और गाती भी कितना अच्छा है. वो तो बहुत जल्दी फेमस हो जाएगी. हाँ, फेमस तो वो तभी होगी ना जब लोग उसका शो देखेंगे. मतलब? मतलब शो के अभी आधे टिकट भी नहीं बिक पाए हैं और आधे टिकट बेकार पड़े हुए हैं. लेकिन वो इतनी टैलेंटेड है,
और मेहनत भी बहुत कर रही है, लेकिन कोई उसे जानता नहीं है ना। और टिकट तो स्टार के नाम पर ही बिकते हैं, टैलेंट तो बहुत बाद में आता है। ए अंगद, शो की रिहर्सल कर रहे हो? इस बार तुम्हारे शो में स्पेशल अट्रैक्शन क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मेरे ऑपोजिट शो करोगी? तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरा शो खराब कर दोगी? देखो कृपा, तुम अंगद के सामने कुछ नहीं हो, यू जीरो इन फ्रंट ऑफ अंगद, यू गेट दैट? और आप लोग भी सुन लीजिए, इसे खुद गाना गाना तो आता नहीं, मेरे सामने क्या शो करेगी? अंगद चुप रहो। कृपा, मैं वादा करता हूँ, ये तुम्हारा आखिरी शो होगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मिस कृपा, आप बता सकते हैं अंगद आपसे इतना नाराज क्यों है? आखिर ये सब हुआ क्यों? आप दोनों में रिश्ता क्या है? कृपा चलो, कृपा चलो। ये कंट्रोवर्सी तुम्हें फेमस कर देगी कृपा, अब तुम्हारा शो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रदर, आपने ये सब जानबूझकर किया है ना? ब्रदर सच बताइए, आप जानते थे कि प्रेस कृपा के बारे में कुछ नहीं लिखेगी, इसलिए आपने जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की ताकि हर न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में खबरें छपे, आपकी बदनामी का फायदा उसे हो जाए और वो रातों रात फेमस हो जाए, उसे पब्लिक की सिंपथी मिले और उसका शो कामयाब हो जाए। यही चाहते थे ना? हाँ। आज तक तो मैंने सिर्फ सुना था कि लोग अपना घर जलाकर दूसरों को रोशनी देते हैं, मगर आज देख भी लिया। ब्रदर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। खास कृपा ये सब देख पाती कि आप उसे कितना चाहते हैं। आलिया, मुझे कृपा से कोई शिकायत नहीं है, मैं तो बस उसे सिर्फ कामयाब और खुश देखना चाहता हूँ। और आपकी खुशी, क्या आप इस सबसे खुश हैं? नहीं आलिया, मैं कृपा को हर्ट किए बिना कोई खुशी नहीं दे सकता। कितनी अजीब बात है ना, मैं दुनिया में जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उसी के बारे में मैंने प्रेस में ना जाने क्या क्या कह दिया। I'm really sorry, कृपा, लेकिन लगता है ये मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उसे मैं बार बार हर्ट करूं। लेकिन अगर मेरे हर्ट करने से कृपा को कामयाबी मिलती है तो मैं उसे बार बार हर्ट करूंगा। पृथ्वी, हर न्यूज़पेपर में एक ही खबर है, शहर में हर इंसान इसी बारे में बात कर रहा होगा। देखो कृपा, अगर तुम इस तरह से सोचो तो जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। What I mean to say, इस कंट्रोवर्सी से हमें कुछ पब्लिसिटी तो मिल रही है। And as they say, sometimes bad publicity is better than no publicity, right? लेकिन पृथ्वी, मुझे ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। कृपा, मैं ये कहां कह रहा हूं? वैसे भी इस पब्लिसिटी से हमारे कॉन्सर्ट पे टिकट सेल्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन कृपा, टिकट सेल्स बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भी हो इस शो का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, एंड यू नो दैट। जो
आयुष, तुमसे मिलने के लिए बहुत लोग आए हैं। जोश, जोश, गॉड, यू एंड योर वीडियो गेम्स। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर मैं तुम्हारा सारा काम संभाल नहीं रही होती, आई रियली डोंट नो व्हाट यू वुड हैव डन। ओके, तुम्हें मेरी बात नहीं सुनी ना? ठीक है, आई लीव। यस अनाज, तुम क्या कर रही थी? इसका मतलब तुम मेरी सारी बात सुन रहे थे। वेरी स्मार्ट। ऑफ कोर्स, तुम ही तो हो जिसकी मैं बात सुनता हूँ, वो भी ध्यान से। हाँ ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फर्स्टली, बहुत सारे लोग तुम्हें मिलने आए हुए हैं, जिनमें से कई टॉप जर्नलिस्ट हैं, और मिस्टर पृथ्वी बोस इंटरनेशनल के ओनर, वो भी आए हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनके कॉन्सर्ट में तुम परफॉर्म करो। उनके साथ उनकी कोई सिंगर, क्या नाम था उसका, कृपा शर्मा, वो भी आई हुई। ओह गॉड, ये सब बताकर तो मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। Can you see I'm busy? जोश, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ? I don't know, you decide. What? आप मुझे कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा। आप चाहते हैं कि जोश आपके लिए परफॉर्म करे विदाउट पेमेंट? देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारी पहली कोशिश है। We've been looking forward to it. I'm sorry, Mr. Prithvi. हम ये कॉन्सर्ट नहीं करेंगे। जोश जो भी करता है वो सिर्फ अपने प्रोफेशन के लिए करता है। He doesn't do anything without a professional reason. आप हमारी उनसे एक मीटिंग करवा दीजिए। I'm sure I can convince them. देखिए, आप भी देख सकते हैं बाहर कितने लोग हैं। सब एक से बढ़कर एक प्रपोजल्स के साथ यहाँ पर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जोश आपके लिए फ्री में काम करेगा? तनाज, प्लीज, हमें उनकी हेल्प की जरूरत है। I'm really sorry. This will not be possible. बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, so I'll have to take your leave. Have a nice day. लेकिन प्लीज, एक बार। Come on, कृपा, इसमें दास होने की क्या बात है? हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। काम होना हो, ये तो किस्मत की बात है। और वैसे भी तुम देखना, हम जोश की मदद के बिना भी एक बहुत अच्छा शो करेंगे। आई प्रॉमिस। पता नहीं हमारे शो का क्या होगा, सारी पब्लिक शायद अंगद के शो पे है। आई थिंक पहले वाले शो में ना आने की वजह से लोग बेताब हो रहे हैं उसे देखने के लिए। ये हमारा आज तक का सबसे सक्सेसफुल शो होगा और कृपा की जिंदगी का सबसे बड़ा फ्लॉप शो। Sorry.
लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया। दोबारा कोशिश करता हूँ। अनदेखी अनजानी क्या ये मोहब्बत, ज्यादा पी लिए। अंगद कांटे प्लीज, इससे पहले कि वो और कुछ करते प्लीज उसे लेके आओ क्विक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.